किलर लुक्स। हंक जिमी शेरगिल इतने हैंडसम हैं कि हिंदी इंडस्ट्री के स्टार होने के अलावा वो पंजाबी फिल्म्स की सुपरस्टार हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट हिम। नंबर 10। जिमी शेरगिल का असली नाम जसजीत सिंह गिल है। वो यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। नंबर 9। एक्टर बनने के लिए जिमी के कजन ने उन्हें एनकरेज किया था, इसीलिए उन्होंने मुंबई आके रोशन तनेजा का एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था। नंबर 8। जिमी मेड हिज डेब्यू इन 1996 विद गुलजार्स मार्चेस। ये फिल्म पंजाब टेररिज्म के ऊपर आधारित थी और उसे काफी क्रिटिकल अक्लेम भी मिला। नंबर 7। अपने डेब्यू के 4 साल बाद जिमी लाइमलाइट में आए आदित्य चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें से। आफ्टर दैट देयर वाज नो स्टॉपिंग जिमी। नंबर 6। बॉलीवुड में कई फिल्म्स करने के बाद जिमी ने 2005 में पंजाबी फिल्म्स में डेब्यू किया विद द फिल्म यारा नाल बहारा, और धीरे धीरे जिमी ने पंजाबी फिल्म्स में एक सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया। नंबर 5। लाइमलाइट हर किसी को पसंद है, लेकिन जिमी इस मामले में थोड़े डिफरेंट है। जिमी को मल्टी स्टारर फिल्म्स करना ज्यादा पसंद है। नंबर 4। जिमी ने अपने करियर की शुरुआत में ही अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी। He is happily married to प्रियंका पुरी, और जिमी का एक बेटा भी है जिसका नाम वीर है। नंबर 3। वैसे तो जिमी ने बॉलीवुड में कई फिल्म्स की हैं, बट फिल्म तनुज मनु इज कंसिडर्ड जिमी की करियर का टर्निंग पॉइंट। With a lot of screen time, Jimmy impressed everyone with his role. Number 2. Jimmy ने time and again अपनी versatility audience को दिखाई है। कभी romantic roles करके तो कभी अनुराग कश्यप की मुक्काबाज जैसी films में negative role करके। Number 1. Jimmy को उनकी पंजाबी films के लिए काफी सारे awards मिले हैं, but unfortunately, despite good performances, Jimmy को हिंदी films के लिए awards नहीं मिले। उनको ओस्लो के 11th नॉर्वे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म साहे बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। हीरो हो या विलेन, हिंदी हो या पंजाबी फिल्म्स, जिमी ने अपने कैरेक्टर्स हमेशा पूरी शिद्दत के साथ निभाए हैं। एंड वी विश जिमी को उनके टैलेंट के लिए फ्यूचर में ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए।